हाँ जी बेटा, पेज आपको पूरा क्लियर दिख रहा है? ओके 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 ओके, इसको रोटेट कर लेते हैं एक बार ताकि आपको पूरा दिख जाए। चलिए बेटा, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, आपकी जो स्टोरी है वो यहाँ तक पूरी हो गई थी। अब हम लास्ट पहरे पर थे, ठीक है? तो शुरू करते हैं। लेखक कहता है कि कहाँ से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती हुई मुझे आज मेरी आंखों के सामने दिख रही है। कहते जब वो पहली बार मिले थे तो इलाहाबाद की सड़कों पर मिले थे और साइकिल से चलकर आए थे। वह हमारे पास आकर रुकती है, वह का मतलब यहाँ पर साइकिल से है कि वो साइकिल हमारे पास आकर रुकी और मुस्कुराते हुए वो उतरे और देखिए देखिए मैंने उन्हें पढ़ लिया है। लेखक कह रहा है कि मैंने उन्हें समझ लिया है कि वो मुझसे ही बात करने के लिए आए। पढ़ लिया का मतलब महसूस कर लिया, जान लिया कि वो मेरे पास ही आ रहे हैं और मैं कहना चाहता हूँ। कहते जैसे ही वो मेरे पास आए और मैंने उन्हें देखा और समझा तो लेखक कहता है मैंने इतना ही समझ में आया कि उनको कभी क्रोध में नहीं देखा था, यानी कभी भी मैंने उन्हें गुस्से में नहीं देखा था, हमेशा आवेश में देखा था। आवेश का मतलब होता है जोश, उमंग, उत्साह में। कई बार वर्ड मीनिंग पूछ लेता है तो आप अपनी पेंसिल से लिखिएगा। तो कहते हैं आवेश में देखा था और ममता तथा प्यार से लबालब छलकता हुआ महसूस किया था, यानी हमेशा जोश में एक्टिव रहते थे और ममता और प्यार से लबालब छलकता हुआ, यानी कभी भी उनके चेहरे से ऐसा नहीं लगता था कि वो प्यार से बात नहीं कर रहे, हमेशा उनके चेहरे पर प्यार बरसता था। अक्सर उन्हें देखकर लगता था, कहते जब मैं उन्हें देखता था तो कभी कभी ये सोचता था, क्या सोचता था कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर, कहते जब वो बेल्जियम में रहते थे और इंजीनियरिंग कर रहे थे तो आखिरी साल इंजीनियरिंग के आखिरी साल में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जागी, यानी कि वो सन्यासी बन गए, ऐसा क्यों किया उन्होंने? अच्छे भले पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि पढ़ाई में दिमाग नहीं चल रहा था। तो कह रहे कि उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा क्यों जागी जबकि उनका घर भरा पूरा था, यानी कि उनका पूरा भरा पूरा परिवार था। परिवार में कौन कौन थे ये भी पूछ लेता है कई बार प्रश्न में, तो आप ध्यान दीजिएगा। कहते हैं परिवार में कौन कौन था, उनके अलावा, किनके अलावा, फादर बुलके के अलावा दो भाई थे, एक बहन थी और माता पिता थे। कहते सभी तो थे, अर्थात किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी फादर बुलके ने संन्यास क्यों लिया? ये सवाल लेखक को क्या करता है, परेशान करता है। अब चलते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर जो कवि है, लेखक है, वो बताता है कि मैंने एक बार उनसे पूछ लिया। किनसे पूछ लिया? फादर बुलके से मैंने पूछा कि आपको अपने देश की याद आती है, अर्थात बेल्जियम की याद आती है? तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरा देश तो भारत है, यानी कि मैं तो सब कुछ भारत को मान चुका हूँ। लेखक कहता है कि शायद वो मेरी बात नहीं समझ पाए, इसलिए लेखक कहता है नहीं, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, कहता मैं तो आपकी जन्मभूमि के बारे में पूछ रहा हूँ। फिर फादर बुलके ने जवाब दिया कि हाँ आती है ना, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स टेम्पल। कहते हाँ मुझे अपने देश की याद आती है, अर्थात ब्लेजियम की याद मुझे आती है और बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि जहाँ पर मेरा जन्म हुआ है, रैम्स टेम्पल बहुत सुंदर है। फिर लेखक कहते हैं मैंने पूछा उनसे कि घर में किसकी याद आती है। लेखक कह रहा है कि मैंने उनसे फिर पूछा, चलो भारत देश की तो याद आती होगी, क्या आपको घर की में भी याद आती है और किसकी ज्यादा आती है? तो फादर बुलके ने बताया कि मुझे माँ की बहुत याद आती है। कहते हैं मुझे माँ की याद आती है और बहुत याद आती है। अब माँ को तो देखो बेटा सभी याद रखते हैं, है ना, क्योंकि माँ से लगाव ज्यादा है, आपने पढ़ा माता का आंचल पढ़ा। तो कह रहे कि बहुत याद आती है, फिर अक्सर माँ की स्मृतियों में डूब जाते थे। कहते अक्सर मैंने देखा करता था जब मैं माँ की बात करता था तो वो यादों में खो जाते थे, माँ की यादों में खो जाते थे। उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थी। कहता है जब वो यहाँ थे भारत में तो माँ जो है चिट्ठियां लिखती थी। इससे ये पता चलता है इनडायरेक्ट वे में बेटा, कई बच्चों सवाल पूछ लेता है
कि माँ कैसी थी, माँ का स्वभाव कैसा था और मतलब कैसा व्यवहार था। तो यहाँ पर आप देखिएगा, एक तो वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी, ठीक है, दूसरा दूर रहकर भी अपने बच्चे की चिंता करती थी, तीसरा ये कि वो पढ़ी लिखी थी अर्थात चिट्ठियां लिख सकती थी। तो कहते कि उनकी माताजी चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती रहती थी, और वो चिट्ठियां कहते हैं अपने अभिन्न मित्र, अभिन्न का मतलब होता है बहुत गहरा, परम मित्र जिसे कहते हैं, कहते हैं अपने परम मित्र डॉक्टर रघुवंश को वे उन चिट्ठियों को दिखाया करते थे, और किसी को नहीं दिखाते थे। माँ की चिट्ठी किसको दिखाते थे? डॉक्टर रघुवंश को। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा बेटा। तो कहते हैं अपने अभिन्न मित्र, परम मित्र थे, सबसे खास दोस्त होता है उसी को तो हम अपनी चीजें दिखाते हैं। तो कहते हैं इसलिए से माँ की जो चिट्ठी आती थी तो वो अपने रघुवंश जो मित्र थे उन्हीं को दिखाया करते थे। पिता और भाइयों से बहुत लगाव मन में नहीं था। अब यहाँ पर ये भी बता रहा है कि माँ से ही ज्यादा लगाव था, ठीक है, और भाई और पिता से उतना लगाव नहीं था, उतना प्यार नहीं था। फिर क्या बता रहे यहाँ, मतलब पूरे परिवार के बारे में बता रहा है लेखक, उनका परिवार कैसा था, किस किस का कैसा नेचर था, ठीक है। तो कह रहे पिता और भाइयों से के लिए उनके मन में लगाव ज्यादा नहीं था। पिता क्या थे? व्यवसायी थे। व्यवसायी का मतलब होता है बेटा व्यापारी, बिजनेसमैन, ठीक है। तो पिता व्यवसाय करते थे, और एक जो भाई था बड़ा, एक भाई पादरी हो गया था, यानी उनमें से दो भाई थे ना उनके, तो उनमें से एक तो पादरी हो गया। पादरी का मतलब चर्च में जो गुरु होते ना उनको कहा जाता है। तो कहते वो पादरी हो गए, और एक भाई काम करता है, यानी कि एक भाई अपना काम संभालता है, उसका पूरा परिवार है, यानी एक भाई ने शादी नहीं की, दूसरे ने शादी कर रखी है, भरा पूरा परिवार है, ठीक है, और वो काम धंधा करता है। और कौन है उनके परिवार में? कहते बहन है। बहन कैसी है? उसका स्वभाव बताया है। कहते बहन सख्त और जिद्दी है। सख्त का मतलब कठोर, और जिद्दी का मतलब जिद करने वाली। तो कहते वो बड़ी कठोर है और जिद्दी है। बहुत देर से उसने शादी की। अब यहाँ पर ये बात आपसे पूछेगा कि पाठ के आधार पर उदाहरण देकर समझाइए कि लेख जो फादर बुलके हैं उनकी बहन कैसी थी। तो एक तो आप लिखोगे सख्त और जिद्दी थी, दूसरा आप ये भी बताएंगे सख्त और जिद्दी क्यों थी, उदाहरण दीजिए, क्योंकि सख्त और जिद्दी जो लोग बच्चे होते हैं वो फैसले कठोर ले लेते हैं। तो कहते इसलिए जब फादर बुलके ने कहा कि भाई शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी, तो तुम्हारी शादी कर दे, तो कहते वो बड़ी जिद्दी और सख्त थी, इसलिए उसने समय पे शादी नहीं की। एक जो लड़की होती है उसकी एक विवाह के योग्य एक उम्र होती है, तो परिवार वाले चाहते हैं कि विवाह के योग्य उम्र हो जाए तो उसकी शादी कर दी जाए। तो कहते ऐसे ही उनकी बहन से भी कहा गया, तो कहते वो बड़े जिद्दी थी, मानी नहीं, और बहुत देर से शादी की, यानी कि बहुत उम्र होने पर उन्होंने शादी की। आजकल तो बेटा सभी बच्चे जो हैं वो 25 और 30 के बीच में शादियां कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सभी चाहते हैं आत्मनिर्भर बन जाए, ठीक है। पहले क्या होता था, जल्दी शादियां हो जाती थी, छोटी उम्र में बाल विवाह भी हो जाते थे। तो यहाँ पर जो ये भी बताया गया है कि वहाँ की जो उनकी जो बहन है उन्होंने शादी का फैसला बहुत लेट लिया। फादर को एक आध बार उनकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों देखा था। कहते मैं ये को अच्छी तरह से याद है, जब मैं कभी उनकी बहन के बारे में सुनता था, बात करता था, तो वो उसकी चिंता किया करते थे। चिंता क्यों? कि उम्र हो रही है, बहन शादी नहीं कर रही, क्या करूं, ठीक है, खूब समझा लिया, जिद पकड़ रखी है। कहते ये सारी चिंता करते फादर को देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार, ध्यान से पढ़ना क्या कह रहा है, कि भारत में बस जाने के बाद, भारत में आने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने, क्या है, भारत से बेल्जियम गए थे, ठीक है। तो कहते वो बेल्जियम बस 3 या 4 बार गए होंगे। तो फिर लेखक पूछता है, लेखक ने पूछा, लेकिन मैं तो सन्यासी हूं। लेखक ने कहा कि मैं तो सन्यासी हूँ, इसलिए मुझे जा ना सॉरी फादर बुलके ने कहा कि मैं तो सन्यासी हूँ, तो मैं भारत अपने देश में बार बार नहीं जाता हूँ, बस इसलिए। फिर लेखक ने सवाल पूछा कि आप सब छोड़कर क्यों चले आए? कहते फिर आपका भरा पूरा परिवार था, ऐसा नहीं था कि इस चीज की कमी थी, ठीक है, फिर भी आप भारत क्यों चले आए? अब उसके पास कोई जवाब तो नहीं था, लेकिन एक मन में कह रहा है फादर बुलके, कहते हैं बस प्रभु की इच्छा थी। और प्रभु की इच्छा कैसे? कहते वह बच्चों की सी सरलता से मुस्कुराते हुए कहते, जैसे बच्चा कह देते हैं ना, कई बार हम पूछ लेते हैं आप लोगों से भी कि बेटा आप बताइए आपने छुट्टी क्यों की? आप कहते बस मैडम ऐसे ही, ठीक है। या कभी कभी पूछ लेते हैं काम क्यों नहीं करके लाया?
ठीक है, टाइम नहीं मिला या घर पे कोई परेशानी थी या फंक्शन था, तो आप क्या कर, नहीं कुछ भी नहीं था, फिर काम क्यों नहीं करके लाए, बस ऐसे ही। ठीक है, तो इसी तरह से वो भी कह रहे हैं फादर बुल के भी, कि बस प्रभु की इच्छा थी, कि यानी ऊपर वाले ने शायद यही मंजूर था कि मैं भारत आऊं। वो बच्चों की सी हंसी हंस के मुस्कुरा के उन्होंने जवाब दिया। कहते फिर वो बताता है लेख, जो फादर बुल के हैं वो बताते हैं कि माँ ने तो बचपन में ही घोषित कर दिया था, घोषित करने का था, घोषणा कर दी थी, बता दिया था कि लड़का हाथ से गया, यानी कि ये शादी वादी नहीं करेगा। ठीक है, इसके लक्षण ऐसे ही नजर आ रहे हैं, लड़का हाथ से निकल जाना, यानी कि हमारी बात नहीं मानेगा। और सचमुच ऐसा ही हुआ। क्या हुआ? इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल के सन्यासी होने, सन्यासी बनने के लिए या सन्यासी होने के लिए जब अपने धर्म गुरु के पास गए, देखो जब सन्यासी बनते हैं तो किसी ना किसी को गुरु बनाते हैं, तो कहते हैं ऐसे में वो अपने धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की अपने गुरु के सामने कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त भी रख दी। शर्त क्यों रख दी वो आगे बता रहा है, ब्रैकेट में आपको दे रखा है, ब्रैकेट में आपको समझा रहा है, कोष्टक में आपको समझा रहा है कि उन्होंने शर्त क्यों रखी। कहते हैं उस समय ऐसा था कि धर्म गुरु से जब आप सन्यास लेने जा रहे हो, तो सन्यास चाहने वाला कोई एक शर्त रख सकता था। तो उन्होंने शर्त रखी किसके, अपने धर्म गुरु के सामने, कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या है? कि मैं भारत जाऊंगा। अर्थात उन्होंने भारत आने का मन बनाया। अब लेखक कहता है पता नहीं भारत जाने की बात क्यों उठी। कहते हैं उन्होंने, लेखक ने पूछा कि आप भारत क्यों आए, और भी बहुत सारे देश थे तो आप इधर उधर क्यों नहीं गए, ठीक है, भारत ही पसंद क्यों नहीं आया, या फिर आप बेल्जियम में ही क्यों नहीं रहे। तो कहते नहीं पता, बस मन में ये था, यानी कि बस ये था कि मन में कि भाई भारत देख कर आऊं। ठीक है, क्यों? क्योंकि शायद हो सकता है उन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ सुन रखा हो, जैसे बहुत सारे राजा महाराजा या जितने भी शासक हुए वो भारत में ही क्यों आए, कहीं और क्यों नहीं गए, क्योंकि भारत में कुछ तो खास होगा। ठीक है, और क्या खास है भारत में? आपने हिस्ट्री पढ़ी है, आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, आपने बहुत सारे हमारी भारत की संस्कृति पढ़ी है, तो आप अच्छी तरह से बता सकते हो। ठीक है, तो कहते भारत में आने का मन था इसलिए। कहते उनकी शर्त मान ली गई और वो भारत आ गए, यानी कि उनकी शर्त मान ली कि ठीक है आप भारत चले जाइएगा। अब कहते वो भारत आए तो सबसे पहले उन्होंने जीसेंट संघ, यानी कि एक संस्था है जीसेंट, उस संघ में 2 साल तक काम किया। किसके रूप में? पादरियों के बीच में रहकर धर्म का प्रचार, यानी धर्म प्रचार की पढ़ाई की, कि धर्म का प्रचार प्रसार कैसे किया जाता है, धर्म के बारे में लोगों को बताया कैसे जाता है, ये काम उन्होंने 2 साल जीसेंट संघ में रहकर, पादरियों के बीच में रहकर इस धर्म प्रचार की पढ़ाई उन्होंने शुरू की। फिर वो क्या है, 9-10 साल दार्जिलिंग में पढ़ते, यानी कि दार्जिलिंग में क्या गए, पढ़ने के लिए वहां पर रुक गए। कहते वो 9-10 साल तक दार्जिलिंग में रहे, कोलकाता में भी रहे। कोलकाता से क्या किया, उन्होंने बीए किया, और फिर इलाहाबाद से एमए किया, यानी कि उन्होंने बीए, तो देखो बीए में तो सब्जेक्ट 5 होते हैं बेटा, लेकिन एमए जो होती है वो एक ही सब्जेक्ट में होती है, और ये जो सब्जेक्ट था हिंदी था। किसका? फादर कामिल बुल्के ने हिंदी में एमए की, एक विदेशी होते हुए हिंदी भाषा में एमए करना, हिंदी के प्रति अपना रुझान प्रकट करके, उन्होंने हिंदी भाषा में इंटरेस्ट था इसलिए उन्होंने हिंदी में एमए की इलाहाबाद से। अब ये ध्यान रखना कि वो ये पूछेगा कि बीए कहाँ से की, ठीक है, और एमए कहाँ से की। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो एमसीक्यू टाइप से आपसे पूछते हैं। उन दिनों के मतलब जिस समय वो एमए बीए कर रहे थे, उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। हिंदी विभाग का मतलब हिंदी डिपार्टमेंट, अध्यक्ष का मतलब एचओडी। तो उस समय जब वो वहां इलाहाबाद में एमए कर रहे थे, उस समय डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जो थे वो हिंदी डिपार्टमेंट के क्या थे, एचओडी थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय, यानी कि प्रयाग में, प्रयाग एक जगह का नाम है,
उसमें एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है जिसका विश्वविद्यालय कहते हैं हिंदी में, कहते हैं प्रयाग यूनिवर्सिटी से उन्होंने शोध प्रबंध होता है वहां पर, यानी कि सब बच्चे थीसिस लिखते हैं, यानी कोई रचनाएं लिखते हैं उस पर सर्च करते हैं। तो कहते हैं ऐसे ही उन्होंने भी शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर, यानी कि हिंदी डिपार्टमेंट में रहकर 1950 में उन्होंने एक शोध प्रबंध लिखा। ठीक है, उस शोध प्रबंध का नाम क्या था, उस किताब का नाम क्या था, राम कथा, यानी कि राम की कथा के बारे में लिखा। और क्या था उसमें, क्या होगा उसमें, राम की कथा की उत्पत्ति कैसे हुई और राम कथा का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में उस किताब में बताया गया है। और ये कब लिखी उन्होंने, 1950 में। और कहाँ पे रह के लिखी उन्होंने, हिंदी डिपार्टमेंट में रहकर, कहाँ पर, प्रयाग विश्वविद्यालय में रहकर एक शोध प्रबंध लिखा 1950 में, नाम था राम कथा उत्पत्ति और विकास। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में, आगे चलिए। कहते परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए, कहते जब उन्होंने प्रयाग में ये एक किताब लिखी तो कहते ये छपकर जब परिमल संस्था में आई, देखो परिमल संस्था का मैं जिक्र कर चुकी हूँ कि जितनी भी किताबें छपती हैं या छापी जाती हैं हिंदी साहित्यकारों द्वारा, तो वहां पर बड़े बड़े जो दिग्गज होते हैं हिंदी डिपार्टमेंट के, जो परफेक्ट टीचर होते हैं, अनुभवी जो मतलब अध्यापक होते हैं, वो सारे बैठ कर ये चर्चा करते हैं कि कौन सी किताब कैसे बेस्ट हो सकती है। तो कहते राम कथा उत्पत्ति और विकास जब उन्होंने लिखा तो परिमल में वो किताब आई और सबने पढ़ी भी। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक, कहते हो और इसके अलावा उन्होंने हिंदी में क्या किया, हिंदी में ही लिखी रामकथा उत्पत्ति और विकास, हिंदी में ही उन्होंने एमए की। ठीक है, तो कहते फादर ने मातरलिंग यानी मातरलिंग का एक प्रसिद्ध नाटक, नाटक अब कई बार पूछ लेता है कि जो मातरलिंग है उनका प्रसिद्ध नाटक कौन सा है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है बेटा। तो फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक जिसका नाम था ब्लू बर्ड, कहते उसका रूपांतर किया, रूपांतर का मतलब होता है हिंदी वर्जन किया उसका, और हिंदी वर्जन करके क्या लिखा, नील पंछी के नाम से एक नई किताब निकाल दी, यानी ब्लू बर्ड का क्या कर दिया, क्या है, लैंग्वेज ट्रांसफर करके उसको डब करके नील पंछी के नाम से बना दिया। बाद में वो, यानी कि ये भी सब उसने हिंदी में ही किया, बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज जो रांची में है, ठीक है ध्यान रखना कहाँ कहाँ क्या क्या बोल रहा है वो, कहते बाद में वो सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी के तथा संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष हो गए, अर्थात उस डिपार्टमेंट के एचओडी बना दिए गए, कब, रांची में। ठीक है, कॉलेज के, कौन से कॉलेज के, सेंट जेवियर्स कॉलेज में रांची में उन्हें हिंदी और संस्कृत का एचओडी बना दिया गया। क्यों बनाया, क्योंकि उनको हिंदी से बहुत ज्यादा लगाव था। और यही उन्होंने, यही मतलब यहीं पर रहकर, रांची में रहकर उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया, यानी कि जो फेमस उनका पहली बार जो छपा उन्होंने ही अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसफर किया, यानी कि अंग्रेजी में बहुत सारी डिक्शनरी आपकी बनती है, शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी, कहते वो एक शब्दकोश उन्होंने तैयार किया जो अंग्रेजी से हिंदी में था, हिंदी से अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी से हिंदी शब्दकोश तैयार किया, और बाइबल का अनुवाद भी किया, यानी बाइबल जो है किसकी है, यानी जो पुस्तक है बाइबल उसका भी हिंदी में अनुवाद करके हिंदी जगत में ये किताबें उन्होंने लिखी। कहते फिर वही बीमार पड़े, वही कहाँ पर, रांची में, कहते रांची में फिर वो बीमार हो गए और पटना आ गए, दिल्ली भी आए और चले गए, 47 वर्ष देश में रहकर, यानी कि भारत में कितने साल रहे वो, 47 साल, कहते 47 वर्ष देश में रहकर, भारत देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर वो चले गए, यानी वो चले गए 47 साल भारत में रहकर और 73 साल की जिंदगी उन्होंने जी, तब तक वो भारत में ही रहे। ठीक है, इतना आपने पढ़ लिया, आगे चलते हैं पहरे को। लेखक कहता है कि फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे, संकल्प का मतलब है कि आपने एक बार ठान लिया कि मैं सन्यासी बनूंगा। ठीक है, लेकिन कई बार होता है हम ठान तो लेते हैं लेकिन वो बात कई बार पूरी नहीं होती, जैसे आपने भी ठान रखा होगा कि 10वीं में हो गए हैं हम, ठीक है, और अपना अपना टारगेट फिक्स कर लिया कि भाई किसको 70% लेने हैं, किसको 80% लेने हैं, किसी को 90 लेने हैं, और कौन 90 के पार भी जाएगा। ठीक है, और कोई ऐसा भी अच्छा भी होगा जिसने ये भी ठाना हुआ है कि नहीं मैं तो 10वीं टॉप करूंगा, ठीक है, यानी स्कूल में सबसे टॉप मैं ही आऊंगा, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे ये सोच रहे होंगे कि किसी सब्जेक्ट में तो मैं भी टॉप करूंगा, यानी कि जब आप कहीं नए
फील्ड में उतरते हैं तो एक संकल्प लेते हैं, एक प्रण लेते हैं, एक वादा करते हैं। तो कहते फादर बुलके ने भी वादा कर लिया था कि वो सन्यासी बनेंगे, लेकिन कहता है कि मैं उनको देखता हूँ तो कभी कभी लगता है कि वो मन से सन्यासी नहीं थे, यानी ठान तो लिया लेकिन मन सन्यासी नहीं बन सका। अर्थात आपने ठान तो लिया कि आप अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है, और अच्छा शुरू से ही मेहनत करेंगे, लेकिन फिर मन तो मेहनत का नहीं करता ना, ठीक है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो अभी क्लास में भी नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि उनका मन कर ही नहीं रहा, ठीक है। तो वो क्या है, ये ठान तो लिया चलो 10वीं में हो जाएंगे, 10वीं की परीक्षा देनी है, लेकिन कई तो क्या है अभी क्लास में भी नहीं जुड़ रहे। तो ये होता है मन से हट जाना, ठीक है, संकल्प तो ले लिया लेकिन मन से मुकर जाते हैं। फिर कहते हैं ऐसे थे वो, और क्या करते थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। कहते इसलिए कह रहा हूं कि मन से संकल्प सन्यासी नहीं थे, मन से सन्यासी होते तो मन को समझा देते, संसार से दूर हो जाते, ठीक है। तो लेकिन कहते वो मन से सन्यासी नहीं था, मन उनका सन्यासियों जैसा नहीं था, रिश्ता बना लेते थे यानी हर किसी से प्रेम से बातें करते, ठीक है, नाता जोड़ लेते, तो तोड़ते नहीं थे, यानी कि मित्र बना लिए तो तोड़ते नहीं है। और जबकि सन्यासी जो लोग होते हैं वो मित्र बना लेते हैं, मतलब अगर सन्यासी है तो वो संसार से में कोई मित्र वित्र नहीं बनाते, उनके लिए सब बराबर है। लेकिन कहते फादर ऐसे नहीं थे, सन्यासी बनने का संकल्प ले लिया लेकिन बन ना सके, और रिश्ता बना लेते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10ों साल बाद मिलने के बाद भी कहते चाहे भले ही मैं उनसे 10 साल बाद मिलूं, उनकी गंध महसूस होती थी। कहते फिर भी वैसी ही गंध, गंध का मतलब खुशबू, एहसास। कहते 10 साल के बाद भी मिलता ना तो वो मुझे पहचान लेते, और वैसे ही मिलते जैसे पहले मिलते थे, तो वही प्रेम, वही अपनापन, वही बाहें फैला के स्वागत करना। कहते मैं 10 साल बाद भी मिला तो भी उतना ही प्रेम दिखाते थे। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, कहते मुझसे तो वो दिल्ली आते थे तो मुझसे जरूर मिलते थे, खोज कर समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर। कहते थे कि कई बार मैं नहीं भी मिलता था तो ढूंढ ढांड के मुझे मिल ही लेते थे, और कभी कभी समय नहीं होता था तो समय भी निकाल लेते थे, ठीक है, कि नहीं तेरे से तो मिलके ही जाना है, और सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो सब झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, यानी कि सिर्फ 2 मिनट के लिए ही मिलना हो, लेकिन मिलते जरूर थे। आप लोग भी कई बार ऐसा करते हैं, ठीक है, जब जैसे स्कूल में एंट्री होती है हाय हेलो, ठीक है, करते रहते हैं, अच्छा बस 1 मिनट ही सही, कई बार आप कहते हैं बस मैडम 1 मिनट, है ना, और आप कहते हो हाय कैसा, ठीक है, बस बस इतना ही तसल्ली बहुत होती है। तो कहते हैं इतना उनमें भी था, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, ढूंढ कर समय निकाल कर, सर्दी बारिश कुछ भी हो, लेकिन मिलते जरूर थे। अब लेखक ये कहता है ये कौन सन्यासी करता है, कहते सन्यासी ऐसा करते हैं क्या, सन्यासी ऐसा नहीं करते। इसलिए लेखक कह रहा है कि उन्होंने सन्यासी बनने का प्रण तो ले लिया लेकिन बेचारे सन्यासी नहीं बन सके, मन से नहीं कर सके, मन तो संसार में क्या है कार्य क्रियाकलाप में रहता था। उनकी चिंता, कहते मैंने उनको चिंता करते हुए देखा था, कहते उनकी ये चिंता थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे, ठीक है, जैसे मैं आपको देखना चाहती हूँ। क्या है मेरी इच्छा कि मेरे सारे बच्चे हिंदी में टॉप कर जाएं, ठीक, ये मेरी चिंता नहीं है, ठीक है, ये मेरी इच्छा है। उनकी तो चिंता थी, चिंता इसलिए थी क्योंकि वो ये चाहते थे कि हिंदी अच्छी भाषा है और राष्ट्रभाषा इसे बनाया जाना चाहिए, ठीक है। मैं भी चाहती हूँ आपका भविष्य अच्छा बने, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है, तो ये चिंता हमें सता रही है, क्योंकि इसलिए तो आपकी ऑनलाइन क्लास लग रही है। तो कहते ये सारी क्या है चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से उनकी तकलीफ बयां करते, हर मंच का मतलब जिस भी मंच पे जाते, स्टेज पे जाते, तो इसकी तकलीफ बयां करते, इसकी मतलब हिंदी भाषा की तकलीफ का मतलब दुख बयां करते कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाओ सब लोग, ठीक है, हिंदी हमारी भाषा है, इसे राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए। और इसके अकाट्य तर्क भी देते, यानी हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों बनाया जाना चाहिए, इसके लिए अकाट्य तर्क, यानी ऐसे ऐसे तर्क या ऐसी ऐसी बातें बताते कि लोग उसकी बात को मना नहीं कर सकते थे, ठीक है। इतने मतलब उसके जो फैक्टर होते थे, कारण होते, कारक जो होते थे, वो गुण बताते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों बनाया जाना चाहिए। वो जब वो लोगों को समझाते तो कोई भी उनका तर्क बात काटने की हिम्मत नहीं रखता था। बस इसी सवाल पर कहते बस एक इसी सवाल पर, कौन सा, हिंदी का सवाल आते ही कहते उन्हें बस एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा था। कहते एक सवाल पर उन्हें बड़ा गुस्सा आता था। बाकी लेखक कहता है मैंने कभी उन्हें गुस्सा करते हुए नहीं देखा, झुंझलाते हुए नहीं देखा। कहते उन्हें एक बात पर, एक सवाल पर झुंझलाते हुए देखा था। कौन सा सवाल था वो, कहते हिंदी वालों के द्वारा,
ही हिंदी की उपेक्षा करने पर उन्हें दुख होता था। उपेक्षा का मतलब होता है घृणा, नफरत, बुराई। कहते हिंदी वाले ही हिंदी की बुराई करते हैं, कहते ये उन्हें बड़ा दुख होता था। ठीक है, अब मान लीजिए मैं हिंदी पढ़ाऊं और मैं ही हिंदी की बुराई करूं, तो ये तो मेरी तौहीन हो गई, सब्जेक्ट की भी और टीचर की भी। ठीक है, और आप कैसे हैं, आपको ना अंग्रेजी आती है ना ठीक से हिंदी आती है। ठीक है, तो कम से कम आप हिंदवासी हैं, ठीक है, तो कम से कम हिंदी तो ढंग से बोलना सीखेंगे हम। तो कहते हैं उन्हें भी इसी बात पे गुस्सा आता था कि चलो आप और भाषा मत सीखिए, कम से कम आप हिंदी की जो भाषा है, जो तुम्हारी खुद की भाषा है, कम से कम वो तो तुम्हें आनी चाहिए। कहते उन्हें बड़ा गुस्सा आता था। ठीक है, ये देखते थे कि हिंदी वाले ही हिंदी की बुराई कर रहे हैं, अंग्रेजों के पक्ष में बोल रहे हैं कि अंग्रेजी होनी चाहिए। कहते हैं ऐसा क्यों, जब आप भारत में रह रहे हैं तो आप हिंदी भाषा का महत्व तो दीजिए ना, ठीक है, अंग्रेजी का नहीं। कहते उन्हें ये इस बात का गुस्सा आता था, ऐसे लोगों पर गुस्सा आता था जो हिंदी वालों के द्वारा ही, यानी हिंदी वासी ही हिंदी की बुराई करते थे। कहते ऐसे थे, और क्या था, घर परिवार के बारे में पूछते थे हर किसी से, उनका स्वभाव बता रहा है, घर परिवार के बारे में पूछते थे, निजी दुख सुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। निजी का मतलब होता है पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, दुख चल रहा है, सुख चल रहा है, कहते ये सारी बातें पूछना उनका स्वभाव था, यानी कि वो उनके स्वभाव में था। कई बार हम पूछ लेते हैं लोगों से और कैसे हो, ठीक हो, बस इतना ही स्वभाव है हमारा, लेकिन वो कहते थे नहीं, वो ठीक ठाक के अलावा भी पूछते थे, घर में सब कैसे हैं, पत्नी कैसी है, और सभी जिंदगी सही चल रही है कि नहीं चल रही है, बाल बच्चे कैसे हैं, कहते वो सारा पूछते थे और ये उनका स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना मेरे लिए एक रोशनी भर देता था। कहते चाहे कितना ही बड़े से बड़े बड़ा बड़ा बड़े से बड़ा दुख हो, जब उनके मुख से मैं सांत्वना का मतलब वो तसल्ली बहुत देते थे, बड़े से बड़े दुख में भी मैं उनके पास चला जाता तो वो मुझे सांत्वना देते, दिलासा देते, और उन दिलासा भरे जादू भरे दो शब्द सुनकर मेरे अंदर रोशनी भर जाती थी, मेरे अंदर क्या आ जाता था, उत्साह आ जाता था। बड़े से बड़े दुख में भी मैं उनके पास चला जाता तो मेरे अंदर एक उम्मीद की किरण जाग जाती थी। आप भी कई बार ऐसा होता होगा कि जब आपकी कोई नहीं सुने तो आप सोचते चलो उस बंदे के पास जाता थोड़ा मन हल्का हो जाएगा, ठीक है, वो थोड़ा मेरा मोटिवेट करेगा, वो मुझे जरूर कुछ ना कुछ नई दिशा देगा। तो फादर बुल्के के पास लेखक जब कहता है मैं बड़े से बड़े दुख में भी उनके पास जाता था तो वो मुझे जादू भरे ऐसे दो शब्द कहते थे कि मैं उनके शब्द सुनकर मेरे अंदर जोश आ जाता, जो हताश और निराश में जाता था मैं रोशनी से भर जाता था, जो उनकी किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। कहते ऐसा ऐसी सांत्वना भरे जादू के शब्द हर कोई नहीं कह सकता, हर कोई तो बेटा आपको कंधे पे भी नहीं लगाएगा, कोई आंसू भी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो कहते ऐसी चीजें किसी गहरी तपस्या से जन्मती है, अर्थात कोई गहरा व्यक्ति जो सोच विचार करता है ऐसा जादू शायद उसके पास ही होता है। अब लेखक कह रहा है कि हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। ठीक है, अब यहाँ पर हर मौत का मतलब है जिंदगी में बहुत सारी कठिन परिस्थितियां आती हैं, लेकिन वो हमें क्या दिखाती हैं, जीवन की नई राह दिखाती हैं। अभी फिलहाल आप कौन सी मुसीबत से गुजर रहे हैं, कोरोना काल की से, तो कोरोना काल की जो मुसीबत है वो एक मौत है, ठीक है, एक दुविधा है। कहते ऐसी ये कोरोना की महामारी आपके जीवन को एक नई राह दिखा रही है, एक नई दिशा दे रही है कि आपको कैसे जीना है। आप हिम्मत हार नहीं रहे हैं बल्कि आप इस परिस्थिति से मुकाबला भी कर रहे हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा भी दे रहे हैं, जीने की कला सीख रहे हैं आप, एक नया तरीका सीख रहे हैं। लेखक ने भी ऐसा भी कहा कि मौत किसी भी जीवन की कठिन परिस्थिति में जब मैं उनके पास चला जाता था तो वो मुझे ये शब्द कहते थे कि हर मौत दिखाती है जीवन की राह, यानी ठोकर खा कर कर ही इंसान सीखता है। ठीक है, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, ये आपको कई बार ये ना कोटेशन दे देगा और इस तरह से भी पूछ लेगा, ठीक, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, अपन मानवीय करुणा के दिव्य चमक पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए, तो यही वाली लाइन का मतलब होता है वो भी। ठीक है, और कहते है कैसे सिखाती है, कहते है मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, कहते है मुझे अपने बेटे की और अपनी पत्नी की मौत याद आ जाती है, क्योंकि
क्यों? क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि जीवन से हार नहीं मानना, पत्नी चली गई, पुत्र चला गया, लेकिन जीवन खत्म नहीं हुआ बच्चे। उन्होंने समझाया कि ये सब चले गए तो जीवन नष्ट नहीं हो जाता, बल्कि जीवन और ज्यादा जिम्मेदारियां आ जाती हैं। कहते फादर के शब्दों से झड़ती विरल शांति भी याद आती है। कहते एक तरफ तो मैं अपनी पत्नी और पुत्र को याद करता हूँ तो दुख दिखता है, वो मौत मेरे सामने दिखाई देती है, लेकिन उसके बाद फादर के वो जादू भरे दो शब्द जब याद करता हूँ तो उनके जो विरल शांति है, जो वो दो शब्द हैं, वो मेरे जीवन को शांत कर जाते हैं और क्या है, मेरे को जीवन में एक नई राह दिखाते हैं। समझ में आ गया इतना? चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर आपका टाइम हो जाए। आज लेफ्ट जल्दी नहीं करना बेटा, 9:15 का टाइम है तो कम से कम आप 9:12-13 तक रुका करो, 1 मिनट लगती है क्लास ज्वाइन करने में, ठीक है? तो पहले नहीं लेफ्ट करें प्लीज। तो लेखक कहता है ऐसे थे फादर बुल के, और क्या थे? कहता है आज वो नहीं है। कौन नहीं है? फादर बुल के नहीं है। कहता है आज वो फादर बुल के नहीं है। कहते दिल्ली में बीमार रहे और पता ही नहीं चला। कहते वो दिल्ली में काफी दिन तक बीमार रहे लेकिन मैं उनसे नहीं मिल सका। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया, लेकिन कहते जब वो नहीं रहे तब मुझे पता चला और मैं उनके पास गया, ठीक है? यानी कि उनके अंतिम संस्कार में मैं शामिल हुआ। तो लेखक कहता है कि इस बार उन्होंने बाहें खोलकर मुझे गले नहीं लगाया। अब आप बताइए कोई मृत व्यक्ति गले लगा सकता है, ठीक है? कहते आज उनकी बाहें, जो बाहें हमेशा खुली रहती थी, लोगों को गले लगाने के लिए उत्सुक रहती थी, आज वो बाहें शांत पड़ी थी। कहते जब मैंने देखा तब वे कैसे दिख रहे थे? बाहें दोनों हाथों की सूजी हुई उंगलियों को उलझाए हुए ताबूत में जिस्म पर पड़ी हुई थी। जिस्म का मतलब होता शरीर। कहते उनके दोनों हाथ, आज दोनों हाथ आपस में क्रॉस करके उन्होंने क्या है अपने सीने पर रख रखे थे, और उनका जो शव है, ठीक है, वो कहाँ था? ताबूत में। ताबूत क्या होता है बेटा? जो चर्च वाले जो लोग होते हैं वो चिता को जलाते, मतलब शव को जलाते नहीं है, किसी एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक है? तो उसे कहते हैं ताबूत, लकड़ी का होता है ये, ठीक है? कुछ लोग आलीशान होते हैं तो कुछ अलग तरह के बनवा लेते हैं। तो कहते ताबूत में जिस्म पर पड़ी हुई थी वो उंगलियां, वो बाहें आज नहीं उठी। कहते जो शांति बरसती थी वो चेहरे पर थिर थी। थिर का मतलब वैसी की वैसी ही जमा थी, यानी आज वो शांति जो उनके चेहरे पर दिखाई देती थी वो आज भी बरकरार थी। तरलता जम गई थी, यानी कि जो बहता था, यानी जिसकी आंखों से प्यार बहता था, आज वो प्यार उनकी आंखों में जम गया था। अब मृत व्यक्ति की तो स्थिर हो जाती है, पत्थर हो जाती है आंखें। कहते वो दिन था 18 अगस्त 1982 का, जिस समय फादर बुलके की मौत हुई। कहते 18 अगस्त 1982 को सुबह 10 बजे का समय था ये, जब उनकी डेथ हुई। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में, कहते दिल्ली में कश्मीरी गेट है और कश्मीरी गेट के पास निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत, ताबूत का मतलब जो अंतिम जो शव था वो ताबूत में, जो एक बक्से में बंद था, उनका जो ताबूत था एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया, यानी कि नीली गाड़ी थी और उससे उस शव को उतारा गया। कुछ कौन कौन थे वहां पर जब उनके ये शव उतारा जा रहा था? कहते कुछ पादरी लोग थे। पादरी क्यों? क्योंकि वो भी जैसे उसके भाई वगैरह होंगे, पादरी लोग थे। रघुवंश जी का बेटा था। अब रघुवंश जी याद आया आपको? कौन थे? जो उसकी माँ की चिट्ठियां पढ़ा करते थे, अपने परम मित्र थे उनके। कहते वो तो नहीं थे लेकिन उनका बेटा था। और उनके परिजन, देखो प्रियजन और परिजन, प्रियजन का मतलब होता है दोस्त, परिजन का मतलब होता है परिवार वाले। कहते उनके परिजन राजेश्वर सिंह उन्हें उतार रहे थे, यानी कि ताबूत से शव को किन किन ने उतारा? कुछ पादरियों ने, रघुवंश जी के बेटे ने और रामेश्वर जी उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी सकड़ी, ठीक है, उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां पर कब्र थी, खुदी हुई थी, उस तक उसे पहुंचाया गया। और वहां पर क्या था? जहां पर धरती उसे गोद में सुलाने के लिए कब्र आवाक मुंह खोले खड़ी थी, यानी ऐसा लग रहा था कि धरती की गोद में जो कब्र खोदी गई थी वो उसका मुंह फाड़े क्या कर रही थी? इंतजार कर रही थी, ठीक है? बस इतना ही, 10 हो गए हैं 11, ठीक है? तो आप अपनी क्लास लेफ्ट कर सकते हो।
हाँ जी बेटा, समझ आ गया। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। बेटा भारत में आके उन्हें हिंदी से लगाव था, ठीक है। तो हिंदी को ऊपर उठाने के लिए, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो आप हिंदी को कैसे ऊपर उठाओगे? आपको ग्रामर नहीं आएगी, आपको पढ़ना नहीं आएगा, तो फिर आप कैसे ऊपर उठा पाओगे? हिंदी की भलाई के बारे में कैसे सोच पाओगे? हिंदी के बारे में कैसे लिख पाओगे? ठीक है। हाँ, तो उनका मन था कि मैं हिंदी सीखूं, क्योंकि भारत में हिंदी भाषा को ज्यादा महत्व तो दिया जाता है। तो उनका ये मन था कि मैं हिंदी सीखूं और हिंदी के लिए कुछ काम करूं भारत में। उस समय आप देखिएगा, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले हिंदी का बहुत महत्व था। और जब भारत आजाद होने वाला था, तो सब लोग सोच रहे थे कि अंग्रेजी को लागू किया जाए, लेकिन वो कहते थे नहीं, आप सब लोग हिंदी बोलते हो, तो हिंदी को ही लागू किया जाना चाहिए। ये उनका मन था, चिंता भी थी, और खास तौर से गुस्सा भी आता था उन लोगों पर जो हिंदवासी होते हुए भी अंग्रेजी के पक्ष में थे, हिंदी के पक्ष में नहीं थे। अब हिंदी के लिए कुछ आगे बढ़ना होगा तो वो काम सीखना पड़ेगा ना, तो इसलिए उन्होंने एमए की। ठीक है, और बताइए। हाँ जी, और किसी को डाउट नहीं है? हाँ जी, तो चलिए हो जाए। हाँ, लीव कर दीजिए बेटा क्लास। ओके, हाँ जी, कुछ पूछना है आपको बेटा? हमें क्लास, हाँ, लेव कर दो बेटा। कुछ पूछना है? हेलो तनिष, अंशु, कुछ पूछना है बेटा? अंशु, हाँ, तरुण, पूछना है कुछ? हेलो बेटा, क्लास को लेव करो। हेलो तरुण, अंशु, क्लास लेव करो बेटा, टाइम हो गया। हेलो, हाँ जी, अंशु, अंशु सुनाई दे रहा है?